वैसे तो अगर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या आप जानते हैं कौन सा पानी हमारी सेहत के लिए अच्छा है? और अगर आप भी इस कश्मकश में पड़े हैं तो आज आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, तो उसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक पूरा देखें। वैसे तो पानी पीने से हमारी बॉडी हेल्दी और हाइड्रेटेड रहती है, चाहे पानी गर्म हो या ठंडा। स्पेसिफिकली डॉक्टर्स क्लेम दैट गर्म पानी से ह्यूमन डाइजेशन इम्प्रूव होता है, कंजेशन रिलीव होता है और साथ ही बॉडी को ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स करता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं गर्म पानी पीने के कुछ फायदे, और साथ ही में आपको मैं बताऊंगी ठंडा पानी पीने का नुकसान भी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोविड के दौरान हर कोई गर्म पानी टाइम टू टाइम पीता था, क्योंकि हम खुद ये चाहते थे कि गर्म पानी पिएंगे तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी, सोर थ्रोट, कोल्ड, कफ ये सब से भी बचकर रहेंगे। और इसी सिचुएशन में हम सब ने कोल्ड ड्रिंक्स और कोल्ड वाटर भी अवॉइड किया था, ताकि ना ही हमें कोल्ड हो, ना ही सोर थ्रोट और ना ही फीवर। तो देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिट तो हमारे सामने ही है, जो कि ये क्लैरिफाई करता है कि हमें गर्म पानी कंज्यूम करना चाहिए। ऑल्सो ड्रिंकिंग हॉट वाटर रिड्यूसेस स्ट्रेस लेवल। सिंस ड्रिंकिंग हॉट वाटर हेल्प्स इंप्रूव सेंट्रल नर्वस सिस्टम फंक्शंस, और अगर हम गर्म पानी पिएंगे तो उसके बाद ज्यादा एंजाइटी भी फील नहीं होती। हेल्दी ब्लड फ्लो अफेक्ट्स एवरीथिंग फ्रॉम योर ब्लड प्रेशर टू योर रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। ऑल्सो गर्म पानी पीने से, नहाने से इट हेल्प्स योर सर्कुलेटरी ऑर्गन्स, योर आर्टरीज एंड वेन्स एक्सपैंड एंड कैरी ब्लड मोर इफेक्टिवली थ्रू योर बॉडी। हम आपको एक और बात बता दें कि सोने से पहले अगर आप गर्म पानी पिए तो आपको काफी अच्छी नींद आएगी, साथ ही में बॉडी भी रिलैक्स रहेगी। Also, you should take steam, as we already know, a cup of hot water creates steam. और अच्छे तरीके से स्टीम लेने से आपके क्लॉग्ड साइनस और साइनस हेडेक में भी रिलीफ मिलता है। Since you have mucus membranes throughout your sinuses and throat, गर्म पानी पीने से आपका थ्रोट एरिया स्मूथ होगा और साथ ही गले के इन्फेक्शन से भी राहत देगा। और ये तो हम सभी जानते हैं कि गरम गरम चाय, कॉफी, दूध पीने से रनी नोज, कफ, सोर थ्रोट और टायर्डनेस से भी आराम मिल जाता है। लेकिन एक और बात आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि टू हॉट वाटर कैन डैमेज द टिश्यूज इन योर इसोफेगस, आपके टेस्ट बड्स भी जला सकता है और साथ ही आपकी जीभ भी जल सकती है। इसलिए जब भी आप गर्म पानी पिए तो ध्यान रखें कि पानी कुनकुना हो और ज्यादा गर्म भी ना हो। ये सब तो हो गई खैर गर्म पानी की बातें, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं और आपको ये पता भी होना चाहिए कि जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है तब आपको क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप सोच रहे होंगे कि डिहाइड्रेशन क्या होता है, तो मैं बता दूं, डिहाइड्रेशन मींस योर बॉडी लूजेस मोर फ्लूइड्स देन यू टेक इट। If it's not treated, it can get worse and become a serious problem. जिसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी बहुत फ्लूइड लूज करती है, जितना कि आपकी बॉडी लेती भी नहीं, और आगे जाकर वो बहुत ज्यादा सीरियस सिचुएशन क्रिएट कर सकती है, जिसके कारण आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आपको ठंडा पानी ही पीना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपकी होस्ट पलक गुप्ता आपसे विदा लेना चाहूंगी, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, और साथ ही भूलिए मत, पानी पीते रहिए और अपना ध्यान रखिए। और अगर आपको और हेल्थ वीडियोस देखना है तो हमारे साथ जुड़े रहें, मैं फिर आऊंगी अगले वीडियो में आपके साथ। अलविदा।